नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे 30 मीटर टेलीस्कोप की, और ये दुनिया का एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनने वाला है, और इसके अंदर इंडिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इंडिया इसके अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट में एक मेम्बर है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल कर आई है वो ये कि इंडिया के जो डेलीगेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसने विजिट किया है यहाँ पर। 30 मीटर टेलीस्कोप जहाँ पर लगेगा, हवाई के अंदर जो साइट है, ठीक है, हवाई आइलैंड्स में जो साइट है उसको यहाँ पर विजिट किया है, और यहाँ पर कई कंसर्न्स हैं। देखते हैं आखिर ये क्या है, पूरा यहाँ पर मामला जानते हैं। दरअसल आपने स्पेस की कुछ इमेजेस देखी होंगी, जिसमें कई तरह की गैलेक्सीज, आकाशगंगाओं की आपने फोटो देखी होगी, मिल्की वे की आपने फोटो देखी होगी, जो हमारी आकाशगंगा है। इस तरह से आपने आकाशगंगाओं की जो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर फोटोज देखी हैं, ये दरअसल कुछ ऐसे ही टेलीस्कोप से ली जाती है जिनकी हम यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेंगे, इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप जो होते हैं इनसे इस तरह की इमेजेस ली जाती है। धरती से ही इन टेलीस्कोप्स को ऑपरेट किया जाता है। तो ये कुछ टेलीस्कोप्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी वो टेलीस्कोप हैं जिनके अंदर, इनमें जो मिरर लगा हुआ है इसका डायामीटर यानी कि जो व्यास है 8 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि बहुत बड़ा इसके अंदर मिरर आपको देखने को मिलेगा। और दुनिया का सबसे बड़े जो टेलीस्कोप्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अगर यहाँ पर लिस्ट देखें, सबसे बड़ा टेलीस्कोप इस समय आपको देखने को मिलता है वो है लार्ज बाइनोक्युलर टेलीस्कोप, जो कि यहाँ पर यूएस, इटली और जर्मनी के द्वारा बनाया गया है, और ये आपको एरिजोना ऑब्जर्वेटरी में यूएस के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यूएस के अंदर लगा हुआ है लार्ज बाइनोक्युलर टेलीस्कोप। इसका जो मिरर है वो 11.9 मीटर का है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है धरती पर वो है ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनरीज। ठीक है, तो कैनरीज आइलैंड जो है स्पेन का, यहाँ पर भी आपको एक सबसे बड़ा, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप दिखेगा। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं 30 मीटर टेलीस्कोप की। ये 30 मीटर टेलीस्कोप जो है इसके अंदर जो मिरर लगा हुआ है, इसका जो व्यास है, इसका जो डायामीटर है वो आपको मिलेगा 30 मीटर। यानी कि इन दो टेलीस्कोप जो कि दुनिया के अभी सबसे बड़े टेलीस्कोप्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगभग 3 गुना बड़ा। तो आप सोच सकते हैं जितनी अच्छी अच्छी फोटोज आपने स्पेस की अभी देखी हैं, अगर 30 मीटर टेलीस्कोप बनता है तो उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन में और भी बेहतर इमेजेस आपको मिलेंगी, और भी नई नई एक्सप्लोरेशंस वहां पर हो सकती हैं, नए नए प्लैनेट्स, कई सारी गैलेक्सीज और आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है 30 मीटर टेलीस्कोप एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस तरह के टेलीस्कोप्स आपको दिखते हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप जो एक आर्टिस्ट के द्वारा यहां पर इमेज बनाई गई है, लगभग कुछ इस तरह से आपको नज़र आ सकता है, और इसका जो डायमीटर होगा इसके ग्लास का बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, और 30 मीटर का वो इसका डायमीटर होगा। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप ये होगा। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इसको याद रखेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन पर सवाल बनाता है, और यहाँ पर ये पूरी दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स पता होने चाहिए, जैसे कि 2022 का जो मेंस का पेपर था उसमें, 2022 के पेपर में जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया वो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में डिप्लॉयड है। वो धरती के बाहर धरती का चक्कर लगा रहा है, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, लेकिन वो धरती के बाहर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप पर मेंस 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आपको इन प्रोजेक्ट्स पर नज़र होनी चाहिए, एग्जैक्ट कीवर्ड्स पता होने चाहिए। ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ये प्रोजेक्ट जो है इसमें 5 कंट्रीज आपको मिलती हैं, यूएस, जापान, चाइना, कनाडा, और हमारा भारत भी आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में एक पार्टनर के रूप में मिलता है। इसलिए हमारे लिए प्रोजेक्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, उसमें भारत यहाँ पर मेंबर आपको दिखता है। भारत ने इसकी पार्टिसिपेशन 2014 में इंश्योर अपनी कर ली थी। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें, हवाई आइलैंड पर आपको ये टेलीस्कोप लगता हुआ नज़र आएगा, और हवाई आइलैंड में भी स्पेशली एक टापू है जिसका नाम है मोनाकिया। तो जो आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, पूरा हवाई आइलैंड जो है ये 5
तरह के वॉल्केनोज से मिलकर बना है, ठीक है। हवाई आइलैंड जो है इसमें 5 वॉल्केनोज आपको मिलते हैं, ठीक है, और इन 5 में से एक है मौना किया। इस मौना किया आइलैंड यानी कि वॉल्केनो पर यहाँ पर आपको ये टेलीस्कोप लगता हुआ नजर आएगा, 30 मीटर टेलीस्कोप। अब यहाँ पर क्योंकि हवाई आइलैंड डिस्कशन में है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये हवाई आइलैंड के बाकी जो वॉल्केनोज हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनका नाम आखिर क्या है, क्योंकि पेपर में पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है हवाई आइलैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वॉल्केनो पता होना चाहिए, इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोहलार आपको देखने को मिलेगा, किलोवा आपको देखने को मिलेगा, मौना लोआ, मौना किया और वाला लाए आपको देखने को मिलेगा। मौना किया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 मीटर टेलीस्कोप यहाँ पर लगने की बात हो रही है। इसके अलावा मौना लोआ अभी तक न्यूज़ में था, नवंबर 2022 के अंदर ये न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ था और ये बताया जा रहा था यहाँ पर जो वॉल्केनो है मौना लोआ वॉल्केनो ये फट सकता है, ये मौना लोआ जो वॉल्केनो है ये एक्सप्लोड हो सकता है, तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था। इसलिए हवाई आइलैंड पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 जो इस पे वॉल्केनोज हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मौना किया वॉल्केनो जो साइट है वहाँ पर ये टेलीस्कोप लगाने की बात चल रही है, और जो मौना किया वॉल्केनो है ये एक शील्ड टाइप का वॉल्केनो है, ठीक है। वॉल्केनोज के कई टाइप्स होते हैं, शील्ड वॉल्केनो, काल्डेरा वॉल्केनो, ठीक है, और इस तरह से आपको वॉल्केनोज के कई टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कहता है ये जो मौना किया साइट है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल टेलीस्कोप्स आपको देखने को मिलते हैं। इस साइट पर कई सारे टेलीस्कोप्स और भी लगे हुए हैं, तो कई सारे और टेलीस्कोप्स लगे हैं, तो कहता है कि यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है हमें ये जानना कि आखिर क्या खास है मौना किया में, और मौना किया में क्यों इस तरह से इतने सारे टेलीस्कोप लग रहे हैं जहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन की जा रही है। उससे पहले आपको ये देखना होगा कि मौना किया जहाँ पर है, ये हवाई आइलैंड पर है, तो हवाई आइलैंड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये पैसिफिक, खास तौर पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर आपको हवाई आइलैंड मिलेगा। हवाई आइलैंड को अगर आप देखेंगे तो ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ये जो आइलैंड है ये यूएस के अंडर आता है, यूएस का इस पर ज्यूरिसडिक्शन है, यूएस का कब्जा है, तो यूएस के अंडर ये आइलैंड आता है और पूरी दुनिया पे जितनी भी ज़मीनें हैं उनसे बहुत दूर आपको ये आइलैंड मिलेगा। तो अब यहाँ पर कहता है इसी आइलैंड का पार्ट है मौना किया वॉल्केनो जहाँ से टेलीस्कोप लगाए जाते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। आखिर इसका कारण क्यों है, क्या खासियत है यहाँ पर टेलीस्कोप लगाने के लिए, क्या ऐसी चीज़ मिलती है। कहता है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सट्रीमली ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखा एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर दिखेगा। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्लाउड फ्री एनवायरनमेंट रहता है, आसमान में बादल इतने नहीं दिखते, तो इससे क्या होगा जो भी टेलीस्कोप आसमान की तरफ देखेगा उस टेलीस्कोप को जो आसमान है पूरा साफ और खाली नज़र आएगा, बादलों से यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई डिसरप्शन नहीं होगा, और आप आसमान में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है बादल भी नहीं बनते, ठीक है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर काफ़ी यहाँ पर आपको स्टेबल मिलेगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आइलैंड है ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो जितना भी ज़मीनी हिस्सा है जहाँ पर इंसानों की बसावट है वहाँ की जो लाइट्स हैं, रोशनी है, वो इस आइलैंड तक नहीं आती, क्योंकि ये भी एक तरह का, आपने सुना होगा लाइट पॉल्यूशन भी एक तरह का पॉल्यूशन है। हम जो शहरों में रहते हैं, शहरों में हमें तारे इतने आसानी से नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारे शहरों की जो रोशनी है लाइट वो आसमान की जो डार्कनेस है उसको कम कर देती है और हमें उतने तारे नहीं दिखते हैं। गाँव में आप जाइए आपको आसमान कितना डार्क और साफ दिखता है, लेकिन शहरों में नहीं होता क्योंकि लाइट की वजह से डार्कनेस जो है वो कम हो जाती है, हमें उतनी दिखती नहीं है। सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जब स्पेस एक्सप्लोरेशन आपको करनी है तो आपको ऐसा माहौल चाहिए कि डार्क आसमान दिखे, ताकि आप दूर, बहुत दूर की छोटी से छोटी गैलेक्सी को भी आराम से देख सकें। तो यहाँ पर इसीलिए ये लोकेशन बेस्ट है, क्योंकि लाइट पॉल्यूशन से दूर है, शहरों की लाइट यहाँ पर नहीं आती है, और डिटेल में यहाँ पर अच्छे से स्काई को, डार्क स्काई मिलता है एकदम, और अच्छे से गैलेक्सीज, बहुत धुंधली गैलेक्सीज, बहुत दूर गैलेक्सीज जो हैं उनको भी ऑब्जर्व अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब यहाँ पर दरअसल ये जो टेलीस्कोप लगाने की बात चल रही है हवाई में इस आइलैंड पर, इसका विरोध हो रहा है, लोग इसका, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं।
और इसीलिए ये टेलीस्कोप अभी तक इसका काम वहाँ पर शुरू नहीं हुआ है हवाई के अंदर मौनाकिया में लगने का, क्योंकि लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के लोग इस वॉल्केनो को, ये जो मौनाकिया वॉल्केनो है ज्वालामुखी, इसको सेक्रेड मानते हैं और इसकी पूजा करते आ रहे हैं। इनके धार्मिक विचार इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एक और फिर ऑल्टरनेट तलाशा जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि हवाई के लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट यहाँ पर तलाशा जा रहा है और वो ऑल्टरनेट भारत जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और वो ऑल्टरनेट आपको देखने को मिलेगा, वो है स्पेन का कैनरी आइलैंड, ठीक है। और कैनरी आइलैंड पे हमने देखा था दुनिया का सबसे बड़ा, इस समय जो सेकंड टेलीस्कोप है भारत का, दुनिया का, ठीक है, ज़मीन पे आधारित जो टेलीस्कोप है वो आपको कैनरी आइलैंड में मिलेगा। तो रॉक डे लॉस करके जो आइलैंड है यहाँ पर, कैनरी आइलैंड्स के ग्रुप में यहाँ पर आपको मिलेगा। और कैनरी आइलैंड स्पेन के अंडर आता है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कैनरी आइलैंड स्पेन के अंडर आता है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछ ले जाते हैं, तो बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए पूरे इशू की। और क्योंकि बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, भारत इसमें इन्वॉल्व है, भारत इसमें इस्तेमाल होने वाले जो मिरर्स हैं, भारत उन मिरर्स को भी सप्लाई करेगा। लगभग 400 से ज़्यादा जो मिरर के शीशे हिस्से होंगे, मिरर के हिस्सों में से 400 से ज़्यादा जो हिस्से हैं उनमें लगभग 80 के आसपास हिस्से भारत सप्लाई करेगा। हार्डवेयर सपोर्ट देगा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट देगा, भारत का रोल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेशल क्लासेस में, जो कि फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, और 2024 की हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स की फॉर्म में, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में जे की प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, छठी से बारहवीं तक की एनसीईआरटी डिटेल में हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और कोड लगाना होगा SMK लाइव, SMK लाइव अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है कोर्सेज पर। साथ ही में जनवरी एक्सटेंशन ऑफर है, एक साल तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं कोर्सेज पर। जैसे कि 2025 का बैच अगर लेते हैं, फाउंडेशन बैच, जीरो से तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे। और यहां पर कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो आपको यहां पर एक साल तक का एक्सटेंडेड पीरियड देखने को मिलता है, आपका कोर्स एक साल और ज़्यादा चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर UPSC सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपको देखने को मिलेगी अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें रैंक एक को मैकबुक, 2 से 5 तक को लैपटॉप और काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस और स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस भी मिलता है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा। तो कोड लगाएंगे SMK लाइव और यहाँ पर ये कॉम्बैट जो होने वाली है चैम्पियनशिप 21 जनवरी को सुबह 11 बजे, और अगर आप मिस कर दें तो शाम को 5 बजे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिस्टेंस लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के साथ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग मॉड्यूल्स जैसे कि प्रिंटेड बुक्स और कंप्लीट मटेरियल भी टेस्ट सीरीज़ के साथ ले सकते हैं। कोड लगाएंगे बस SMK लाइव तो आप यहाँ पर इन टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपकी जानकारी में किसी का मेंस क्वालिफाई हुआ है 2023 का और इंटरव्यू की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं तो उनको बता सकते हैं। अनअकैडमी फ्री में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएगा, फ्री मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं आपको यहाँ पर, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आपको गाइड करेंगे, साथ में डैफ सेशंस आपके लिए जाएंगे। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए जाने से पहले यहाँ पर एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब देते जाएंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ USA का आइलैंड, इनमें से कौन सा टापू जो है वो US के अंडर नहीं आता है। कहता है गुआम आइलैंड, पोर्टो रिको, हवाई या डिएगो गार्सिया। एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि ये हवाई जो आइलैंड है ये US का पार्ट है, तो ये इसका जवाब नहीं है। इन तीन में से जवाब सिलेक्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।